पिछले वीडियो में हमने संघ कोर्डेटा फाइलम कोर्डेटा के बारे में अध्ययन किया था और उस फाइलम कोर्डेटा के तीन सब फाइलम बताए थे, हेमी कोर्डेटा, यूरो कोर्डेटा और शेफेलो कोर्डेटा। हमारे जो सिलेबस में है वो यूरो कोर्डेटा है, तो सब फाइलम यूरो कोर्डेटा के मुख्य लक्षण क्या क्या हैं, उसका वर्गीकरण क्या है, आज हमें ये पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ रहे हैं इसके मुख्य लक्षण क्रिएटर क्या है। इस उपसंग के जंतु मेराइन है, समुद्री जल में रहते हैं, समुद्री जल में रहते हैं, जो स्वतंत्र तैरते हुए मिल सकते हैं या चट्टानों से चिपके हुए, तो दोनों तरह से ये जंतु मिल सकते हैं। वयस्क जो जंतु होता है वो स्थिर होता है, जबकि इन जंतुओं का लार्वा है वो फ्री फ्लोटिंग स्वतंत्र तैरने वाला होता है, मतलब स्वतंत्र तैरने वाला लार्वा है तथा वयस्क है वो स्थिर चिपका हुआ है। दूसरा जो लक्षण मुख्य है वो है कि शरीर पर ट्यूनिशिन का टेस्ट है। ट्यूनिशिन एक सेलुलोज जैसी संरचना है, ट्यूनिशिन सेलुलोज लाइक एक पदार्थ है और उसका रासायनिक सूत्र C6H10O5। ट्यूनिशिन का जो टेस्ट या जो आवरण इनके ऊपर है, इन जंतुओं के ऊपर है, इसलिए इन जंतुओं को ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। ट्यूनिकेटा क्योंकि इनका जो टेस्ट है वो ट्यूनिशिन का बना हुआ है। अगला, नोटोकॉर्ड केवल टेडपोल लार्वा की कुछ में, अब जो इनका लार्वा है यूरोकोर्डेट जंतुओं का, उनका लार्वा का नाम है टेडपोल। ये लार्वा मेंढक के टेडपोल के जैसा ही होता है, लेकिन जो नोटोकॉर्डेट का जो लक्षण है नोटोकॉर्ड का पाया जाना, वो केवल टेडपोल लार्वा की पुच्छ में है, और पुच्छ में है, टेल में है, इसलिए इन जंतुओं को यूरोकोर्डेट कहा। कि पुच्छ में कोर्डेट के लक्षण का पाया जाना, इसलिए यूरोकोर्डेट इनको नाम दिया। इन जंतुओं के जो अंदर के है जो एट्रियम है उस वो बाहर दो छिद्रों से खुलती है, जो अंदर शरीर की जो गुहा है वो दो से छिद्रों से, एट्रियल छिद्र और ब्रेंकियल छिद्र है। ब्रेंकियल छिद्र मुख्य छिद्र है, इन दोनों छिद्रों से ये भोजन या पानी है वो इसके शरीर में अंदर प्रवेश करता है या बाहर निकलता है। तो जो प्रवेश करता है इसलिए जो ब्रेंकियल छिद्र है वहाँ कुछ सीलिया पाए जाते हैं, जो इसलिए जो भोजन है अपन उसको कह सकते हैं कि ये सीलियरी फीडिंग प्रकार से भोजन ग्रहण करता है। रक्त परिवहन की बात करें तो रक्त परिवहन है वो ओपन प्रकार का है, मतलब नलिकाओं में रक्त नहीं बहता है। हृदय जो है वो अधर स्थिति में है और न्यूरोजेनिक प्रकार का होता है, मतलब तंत्रिकाओं के द्वारा नियंत्रित होता है। उच्च कोर्डेट्स का जो है हृदय वो मायोजेनिक प्रकार का होता है। देखिए अलग विशेषता है कि इनमें जो हृदय है उसमें रक्त प्रवाह है बदलता रहता है, इम्पोर्टेंट बात है, रक्त प्रवाह है, ब्लड फ्लो है वो चेंज होता रहता है। रक्त कणिकाएं जैसे हमारे अंदर आरबीसी पाई जाती हैं, वैसे ही इनमें जो रक्त कणिकाएं हैं वो वेनेडोसाइट होती हैं। और श्वसन जो वर्णक है जो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है, वैसे इनमें वेनेडियम पाया जाता है। उत्सर्जन नेफ्रोसाइट्स के द्वारा तथा कुछ विशेष ग्लैंड जिन्हें सुप्रा न्यूरल ग्लैंड या पाइलोरिक ग्लैंड कहते हैं के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। सिलोम नहीं पाई जाती, सिलोम क्या होती है, आहार नाल और देह भित्ति के मध्य की जो गुहा है वो सिलोम है, और ये इन यूरोकोर्डेट सब फाइलम के जंतुओं में नहीं पाई जाती है। अरे ये सिलोमेट प्रकार के हो गए एक तरह से। जो विखंडन है वो मेटामेरिक सिगमेंटेशन भी इनमें नहीं पाया जाता है, अंदर शरीर के अंदर खंडों का विभाजन नहीं मिलता है, एब्सेंट। फेरिंग्स की वेंट्रल सतह पर अधरीय सतह पर सीलियरी ग्लैंडुलर खांच पाई जाती है, और उस सीलियरी ग्लैंडुलर खांच का नाम है एंडोस्टाइल, और ये एंडोस्टाइल क्या
क्या काम करती है? समुद्री जल से आयोडीन का अवशोषण करती है। तो ये जो फेरिंग्स की वेंट्रल सरफेस पर है, इसलिए ये उच्च जो कॉर्डेट हैं उनकी थायराइड के होमोलोगस इसे मानते हैं, थायराइड के संजात। जो ग्रंथ थायराइड ग्रंथि काम करती है वैसे ही ये एंडोस्टाइल काम करती है। अगला लक्षण है डोर्सल नर्व कॉर्ड। जो कॉर्डेट का लक्षण है वो केवल लार्वा की में ही पाया जाता है, और लार्वा में ही पाया जाता है। तो वयस्क जब जंतु बनता है तो वयस्क में यह है न्यूरल गैंग्लिया में बदल जाता है। अगला लक्षण, ये जंतु अधिकांश बाईसेक्सुअल होते हैं, मतलब दोनों लिंग हैं वो हर जंतु में मिलते हैं। प्रत्येक गोनाड है उसमें ओवो और टेस्टिस वृषण और अंडाशय उपस्थित होते हैं। अगर अलैंगिक जनन होता है तो वो मुकुलन क्रिया के द्वारा होता है। ये मुख्य लक्षण है इनका। जो कायांतरण पाया जाता है वो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि जो पूर्ण विकसित इनका जो लार्वा टेडपोल लार्वा है, पूर्ण विकसित टेडपोल लार्वा, टेडपोल लार्वा जो स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है, और ये कम विकसित और स्थिर वयस्क में चेंज हो जाता है। तो लार्वा द्वारा वयस्क का बनना मेटामॉर्फोसिस है, लेकिन रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस सामान्य जंतुओं में क्या होता है, लार्वा से वयस्क बनता है तो उच्च लक्षण बनते हैं, विकसित लक्षण बनते हैं। लेकिन रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में पूर्ण विकसित लार्वा है वो कम विकसित और स्थिर वयस्क में चेंज होता है। ये सिर्फ यूरोकॉर्डेट्स में ही दिखाई देता है, वयस्क में केवल एक कॉर्डेट लक्षण। एक कॉर्डेट लक्षण हमने ये पढ़ा जो टेडपोल लार्वा में है, दूसरा हमने डोर्सल नर्व कॉर्ड पढ़ा जो भी लार्वा में है। तो एक लक्षण बचा है और वो है फेरिंजियल गिल स्लिट, ग्रीष्मीय गिल दरारे। ये लक्षण केवल वयस्क में पाया जाता है, बाकी के कॉर्डेट्स लक्षण हैं वो वयस्क में नहीं मिलते हैं। टेडपोल लार्वा में तीनों वयस्क लक्षण मिलते हैं। अब हम इनका वर्गीकरण पढ़ते हैं।